नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम अब जोर पकड़ने लगा है। मतदान 21 अक्टूबर को होना है और 24 अक्टूबर को नतीजे आ चुके होंगे। आज हम बात करेंगे वड़ाला क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार कालिदास कोलंबकर से, जिनका दावा है कि वे 8वीं बार आसानी से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विजयदशमी के इस मौके पर आप अपनी जीत के प्रति, अपनी विजय के प्रति कितने आश्वस्त लगते हैं? ये तो मेरे 8वीं टर्म है, ये नायगांव में। अब जो वोटिंग हो जाएगा वो वोटिंग वन साइड वोटिंग होने वाली है, ऐसा एटमॉस्फेयर है। आप बीजेपी में नए नए आए हैं तो आपको बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है? देखो, पार्टी में नया है लेकिन पॉलिटिक्स में मैं नया नहीं हूँ। तो कैसा बच्चे को क्या कार्यकर्ता संभालने का, मेरे को अच्छी तरह मैं जानता हूँ। आपके साथ बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, तो अभी वो लोग अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि आपके लिए काम कर रहे हैं? देखो, 80% अपने पास वो कार्यकर्ते हैं जो कांग्रेस में काम करने वाले थे, 20% होता ही है। इन लोगों ने काम चालू किया अपनी तरह से, लेकिन उतनी ताकत नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी, कांग्रेस ने भी एक तगड़ा कैंडिडेट देने की कोशिश की है आपके सामने, देखो तो आपको कैसा लगता है? देखो, कार्यकर्ता और जनमत, इसमें फर्क होता है। जनमत और कार्यकर्ता एक साथ में काम करेगा तो विजय होता है। जनमत चाहिए, उम्मीदवार के पीछे जनमत चाहिए तो जीत सकता है। विजयदशमी के मौके पर आप वड़ाला नायगांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही बोल सकता है, जितना नायगांव जनते का जो काम है, वो पुलिस हाउसिंग होना दो, बीडीसी डेवलपमेंट होना दो, क्या अंडरग्राउंड पार्किंग का जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कोरबा मिटागढ़ का डेवलपमेंट का है, वड़ा वेलफेयर का डेवलपमेंट का है, इन पर काम ये नया गवर्नमेंट आने के बाद होना चाहिए। आप चुनाव जीतने के बाद पहला काम कौन सा करेंगे? पहला काम तो पुलिस हाउसिंग और गिरनी काम का, दो काम करेगा।